एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार में एनडीए और महागठबंधन को दिखाएंगे अपनी ताकत। एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने का किया ऐलान। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान एनडीए में हुए शामिल, लेकिन अपने चाचा पशुपति पारस से उनका नहीं थम रहा विवाद। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच छिड़ गया जंग। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, तो वहीं चाचा पशुपति पारस ने भी कहा कि वो किसी भी हालत में हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। विपक्षी एकता के दूसरे चरण की बेंगलुरु में की गई बैठक, इस बीच नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में लगाए गए पोस्टर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में लगे पोस्टर में नीतीश कुमार को पीएम पद का बताया गया कमजोर दावेदार, हालांकि पुलिस के द्वारा कुछ देर बाद ही लगे पोस्टरों को हटवा दिया गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी एकता की महाजुटान के बीच विपक्षी एकता को फिर बताया मजबूत। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम सब एक है। बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान। जीतन राम मांझी ने विपक्षी दलों की बैठक में जुट रहे नेताओं की तुलना मेढक से की। जीतन राम मांझी ने कहा कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि मेढक को तोलना आसान नहीं है। वहीं इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर की तारीफ। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए सभी मोदी विरोधी नेता आए हुए हैं, चाहे 26 या 27 जितनी भी पार्टियां जुट जाए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। विपक्षी एकता की बेंगलुरु में हुई महाजुटान पर नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने भी विपक्षी एकता की बैठक पर किया बड़ा हमला। आरसीपी सिंह ने कहा कि विपक्षी एकता में सभी डिमोरलाइज्ड नेताओं का हो रहा है महाजुटान, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लिट्टी चोखा छोड़कर इडली डोसा खाने के लिए गए हुए हैं। देखिए जितने लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं जिसको आप जुटान बोल रहे हैं, उनमें जितने नेता हैं एक एक करके सबका देखिएगा तो सब लोग डिमोरलाइज्ड हैं। तो जितने लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं वो सब लोग किन्हीं न किन्हीं कारणों से डिमोरलाइज है। डिमोरलाइज जो लॉट है जी, वो कैसे कोई समर जीत सकता है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया जुबानी हमला। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसी हो गई है। जिस तरह केंद्र में मनमोहन सिंह सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे, इसी तरह आज नीतीश कुमार की हालत हो गई है। आप मुख्यमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका में आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आपके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव जो कहेंगे रबर स्टाम्प के तरह आप उसका पालन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राह पर आपका पहचान होने लगा है।